गया है। रुक 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 रुक। थैंक यू यार, सब कुछ बदल गया है। अरे अंकल कैसे हो, अच्छे हो ना? अरे हाँ ना प्रताप, बहुत दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। इस गांव से जाने के बाद तो बहुत बदल गया है। हाँ, सही कहा। क्यों रे प्रताप, तू आजकल मुंबई में क्या कर रहा है? वहाँ पे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं। क्या टाइम नहीं है? दूध निकालते रहता हूँ। वापस कब जाएगा बेटे? अपनी माँ से मिलकर कल चला जाऊंगा। अच्छा, भीमा कहाँ है? भीमा? हाँ? वो मुंबई के किसी कॉलेज में दाखिला लेने गया है। ये बात है? हाँ। तो उसे मेरा एड्रेस दे देना। सच में? हाँ, ये देखो मैं अपना कार्ड देता हूँ, उसे बता देना। ठीक है। इनमें से कौन सा वाला दूँ? ये वाला रख लो। हाँ? उसे बता दो। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। राम के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। इस शहर के बादशाह है बादशाह, हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे कुचल डालेंगे। चलो हटो भागो यहाँ से। ये फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है? आगे जाओ। सुनी, ये फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है बताएंगे? लगता है तुम्हारा नया एडमिशन है। नमस्ते भारती जी। ये कौन, आपका लड़का है? नहीं नहीं, मेरा बेटा तो अमेरिका में एमबीए कर रहा है। यहाँ से लेफ्ट जाके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। थैंक यू सर। आज एक अजीब आदमी से तुम्हारा परिचय कराने वाली हूँ, बस वो आता ही होगा। अजीब इंसान वो कौन है? हाँ, ये कौन है? हाय, जरा उसके जुल्फे तो देखो। हाँ, उसकी बिंदिया देखो। ओहो। अरे ये बिंदिया वाला है कौन? सुनो भैया, बिंदी लगाने वाले यहाँ नहीं बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं पीछे। जाके वहाँ बीच में बैठ जाओ। जा, न्यू एडमिशन। हाँ। चल पीछे जा। मासड़ जा, मासड़ जा, आ गया, आ गया, आ गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, अरे ये क्या सबके सब बैठे और तू अकेला खड़ा हुआ है? कॉलेज में नया है क्या या इस शहर में ही नया आया है? तुझे ही बोल रहा हूँ भैया, बैठ जा, बैठ जा, सिट डाउन। जी अच्छा। हेलो। हेलो, आई एम साई, ये रवि है। हाय हाय भारती, कल जो लेसन पढ़ाया था उसको पढ़ के सुनाओ अपनी सुरीली आवाज में। नहीं सर, मेरा मूड नहीं है। रतनलाल तू पढ़ के सुना। ऐसा मत करो, ये क्या इतनी देर से आ रही हो? उसके साथ आने में मुझे देर हो गई। अगर ऐसा है तो जल्दी निकलना चाहिए ना, बल्कि भाग के आना चाहिए। लेकिन वो बहुत धीरे चल रहा था ना। अगर वो धीरे चलेगा तो तुम भी धीरे चलोगी क्या? मेहंदी लगी है? नहीं, गोबर लगा है। उस कंजूस के पास बाइक भी नहीं है। पारो यहाँ पे आ जाओ। सबके सब बैठ गए ना? ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया। तो चाहिए चाहिए। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं? रुक जाओ, ये रिमोट मुझे दे। हाँ, मुझे रिमोट देना। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं अपनी चैनल देखूंगा। राकेश। हाँ मम्मी। जाके देखना कौन आया है। ठीक है, मैं खोलूंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम है भीमा। प्रताप जी हैं क्या? राकेश, बाहर कौन आया है? कोई भीमा आया है मम्मी। तुम कौन हो? नमस्ते, मेरा नाम है भीमा। मेरा दोस्त प्रताप यहीं रहता है ना? कौन प्रताप? यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। गायत्री। हाँ? कौन आया, क्या बात है? कार्ड तो मेरा ही है लेकिन प्रताप नाम का कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है, एड्रेस तो यही बताया था। क्यों, क्या हुआ? वैसे तुम्हें क्या चाहिए? सर, आपके यहाँ कोई रूम खाली है? तुम कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से आया हूँ, राम नायडू डिग्री कॉलेज में नया एडमिशन लिया है। अरे, मैं भी उसी कॉलेज में काम करती हूँ। जी हाँ, वही कॉलेज। ठीक है, छत पे एक छोटा कमरा है, वो चलेगा क्या? हाँ चलेगा सर।
रेंट कितना होगा? हमारे घर में दो शैतान बच्चे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ा देना, वही हमारे लिए रेंट हो। हाय एवरीबॉडी, एकदम हॉट हॉट गरम गरम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? अरे तुम लड़कियों की लीडर जो हो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए बिल्कुल सही खबर लेके आती है ये। अरे वाह, दैट इज भारती। सुना है रात में उसने तुम्हारी पुलिस में शिकायत की थी, इसलिए ऐसा हुआ? हाँ तो फिर इसमें क्या हुआ? उसने मुझे फोन कर दिया, मैंने डैडी का नाम बता दिया, सारा मामला दूर। ए बिंदी वाला आ गया। हा? मैडम के यहाँ रूम मिला, ये बिंदी वाला बड़ा किस्मत वाला है। हाँ यार। ए, ये बिंदी वाला बहुत खतरनाक है यार, ये बिंदी वाले ने पता नहीं कैसे जादू किया है, हमारी मैडम को बड़े प्यार से फंसा लिया। ये तुमने कैसे किया? इतने दिनों से हम रह रहे हैं, हमसे ये काम कभी नहीं हो पाया, लेकिन इसने दो दिन में ही ये काम कर दिखाया। बाप रे, ये मामूली इंसान नहीं है, जिसके नाम से हमारी हालत खराब हो जाती है, इसने उसी के साथ में सेटलमेंट कर लिया। ए रतनलाल, आखिर तू किसके बारे में बोल रहा है? जिसकी राशि तेज है, ऐश्वर्या राय का लुक है, हम सब उसे जानते हैं, मिसेस गायत्री देवी। ए बिंदी वाले को क्या समझते हो? अरे यार, ये तो बहुत लकी है। ओह माय गॉड, ए गायत्री देवी आ गई। सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ, हमारे कॉलेज की ग्रेट मैडम गायत्री देवी पधार रही है। मुझे डरने लगता क्या? मैं उससे नहीं डरता, तुम्हें डर लगता होगा। ये क्या यार, एक लेक्चरर के बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट देते हैं। यहाँ ऐसा ही होता है, तू फील मत कर। के रवि। यस मैम। रमा। प्रेजेंट मैम। रतनलाल। रतनलाल कहाँ है? रतनलाल क्या हुआ इस पेन को? आज इसे मजा चखाती हूँ, बहुत चिल्लाती है ना। You stupid? तेरी इतनी हिम्मत? अब तुझे मैं मेरी हिम्मत दिखाती हूँ, चल अक्कल ठिकाने लगाती हूँ। लेक्चरर्स के लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है तुझे? तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के रहो, अगर ऐसी वैसी हरकत की तो सस्पेंड करवा दूंगी। इडियट्स। अपने डैडी से बताऊंगी। सही कहा, तुम कौन हो उसे पता चलना चाहिए, तुम पे हाथ कैसे उठाया? वो समझते क्या है? तुम मैडम का क्या करोगी, उसे मार खिलाओगी? तुम्हारे बाप का नाम सुन के बड़े बड़े गुंडे डर जाते हैं, तो फिर वो क्या चीज है? मैं कौन हूँ ये बताए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिनिश, गायत्री देवी का चैप्टर क्लोज। भारती से पंगा लेने पर क्या होता है ये अब उसे समझ में आएगा। देख रतनलाल, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, लेक्चरर का मजाक उड़ाना गलत है। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। भारती ने जो किया गलत है वो तुम सब जानते हो। भारती की गलती पर हम सबको जाकर मैडम को सॉरी बोलना चाहिए। क्या बोला? तुझे कॉलेज में आए दो दिन भी नहीं हुए और तू मुझे सिखा रहा है? दूध पीता बच्चा समझा है? उछल के एक दूंगा ना, भुट्टा बना दूंगा। अरे बिंदी वाले को देखो, मुझे समझा रहा है। माथे पे बिंदी जरूर है लेकिन कानों में फूल नहीं है। अगर दोबारा कभी मैडम के ऊपर कमेंट किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ, कुछ तो बता, इस तरह मुंह फुला रखा है, बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ? ऐसे नाखून क्यों चबा रही है? लड़कियों को लड़की बन के रहना चाहिए, शादी की उम्र हो चुकी है। तो कहाँ गई थी? आखिर हुआ क्या तुम्हें पता है? कॉलेज में सबके सामने मेरा अपमान किया, वो भी इंग्लिश लेक्चरर गायत्री देवी ने। उसे सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने पिताजी को जाके बता दे, तब उस मैडम की स्टोरी खत्म हो जाएगी। अगर कॉलेज से तुझे सस्पेंड कर देंगे और जुहू चौपाटी पर तू घूमती फिरेगी, तब तेरे दिल को ठंडक पहुंच जाएगी ना। बात सुन बेटी, तेरे पिताजी क्या करते हैं ये सब लोग जानते हैं, क्या तू अपने बाप की स्टोरी नहीं जानती है? इसलिए ऐसा कुछ मत करना, कुछ मत करना। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन की बात है, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, गुंडे लोग आए हुए थे, सेठ लोग, एमपी एमएलए, और उन सब के सामने पुलिस ने जब उनकी धुनाई की तो वो उनके पैरों में गिर गए। उस दिन मुझे इस बात का पता चला कि ये कोई गैर कानूनी धंधा करते हैं। कितने खतरनाक इंसान है ये मैंने जान लिया, जहरीला इंसान, जहर से भरा हुआ। ऐसे इंसान से जाकर तू उस मैडम की शिकायत करेगी? मत करना बेटी, मत करना। तेरे पिताजी का नाम बोलने के बाद लोग तुझसे भी नफरत करेंगे। जिस दिन मैंने उनके हाथों से मंगलसूत्र पहना,
किस दिन कौन सा बड़ा हादसा हो जाएगा मैं नहीं जान पाई। बस रोजाना भगवान के सामने प्रार्थना करती रहती हूँ। तुम ऐसी जिंदगी मत जीना बेटा, भूल से भी नहीं। मैं ये सब जो तुझे समझा रही हूँ तेरे अच्छे भविष्य के लिए बेटा, ताकि तू खुश रहे। तू समझ रही है ना बेटा? समझ जाए तो अच्छा है। राकेश, क्या है मम्मी? ऊपर तुम्हारे अंकल तैयार बैठे होंगे, उनसे बोलो कि खाने के लिए आ जाए। ठीक है अंकल। क्या हुआ, सब्जी जल गई है? हाँ। यहाँ हम आपको एक खबर देने के लिए आए हैं। जानते हो क्या, माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया है। देखो भीमा, हमारा खाना तुम्हें पसंद आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आज के बाद कभी भी ये शराब वराब मत पीना। जी अच्छा, गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, कल से होटल में खा लिया करूँगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ, दीदी बोलो। और मैं तुम्हारा जीजा, ये तुम्हारी भांजी भांजा। अब से तुम्हारा खाना यहीं पर है, ठीक है? लेकिन खाओ। एक चाय लेकर आना। पानी रख। और सुन, भाई के लिए चाय लगा। दो चाय। रात की खुमारी अभी तक नहीं उतरी यार, सिर में दर्द हो रहा है। ये चाय मैं उनके लिए लाया हूँ। उसे दूसरी दे देना, ये आला। सुनो। हाँ जी। चाय कैंसिल। ए डेनी, जरा इसे देख ले। भैया पैर हटाओ ना। भैया अपना पैर हटाओ ना। भैया पैर हटाओ ना। तो इसका नाम है भीमा, बीएससी फर्स्ट ईयर, डॉक्टर डी रामा नायडू कॉलेज, गांधीनगर। क्यों रे, आते ही क्या कॉलेज का हीरो बन गया है? बुक दो ना भैया। दे दे यार, दे दे। एक घंटा हो गया बस अभी तक नहीं आया। हाँ यार, आज बहुत देर हो गई। दादड़ 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 दादड़, जल्दी आओ। बेटी चलो जा गे? बोलो। हाँ हाँ, बैठ गई। हाँ बैठ गई। ये लो भैया। गांधीनगर 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 गांधीनगर, बैठ जाओ। ए प्रताप। अरे बाप रे, ये भीमा यहाँ कैसे आ गया? यहाँ से जाना ठीक नहीं है, मोड़ने में ही भलाई है। फिर से मिस हो गया यार। विल्सन, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे कॉलेज के बस स्टॉप के पास खड़ी है, तू उसे ले जाके ठीक करा दे। साहिबान, अगर दोबारा कभी इस एरिए में देखा ना तो खाल खींच लूंगा। हाय भारती। हाय भारती। हाय। हे। क्या बात है आज बस में? आज तेरे आने से बस की वैल्यू बढ़ गई है। ए, तेरी कार को क्या हुआ? कार रिपेयर हो गई। रिपेयर हो गई तो फोन कर देती, कोई और कार आ जाती। अरे कोई बात नहीं। टिकट टिकट टिकट, कहाँ जाना? रामानायड कॉलेज। ये लो। चलती हूँ साई। ओके गीता। बाय। इसकी तो
तेरा नाम क्या है बे? साई। किस एरिया से आया है? भाई कला से। तो भाई कला में लड़कियां नहीं है क्या जो यहाँ आया? तुम क्यों पूछ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चुप, गर्दन पे मारूंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। ए मेरी बात सुन, मेरा नाम है नरेश ठाकुर। अभी जो तेरी गाड़ी से उतर कर गई है ना, उस लड़की का नाम क्या है तुझे पता है? गीता। जबान काट दूंगा, उसका नाम गीता नहीं है, नरेश गीता, मिसेस गीता नरेश ठाकुर। क्यों बे? हाँ भाई। मेरी गर्लफ्रेंड को तू ड्राइवर बन के यहाँ पे लेके आया, इसलिए माफ करता हूँ। बात सुन, अगर अब से गीता की तरफ आँख उठा के भी देखा ना तो तेरी आँखों में एसिड होगा। चल निकल। भीमा एक बात बताओ, हा? किसी खूबसूरत लड़की से प्यार करने के लिए सलमान खान जैसा फेस चाहिए क्या? मेरे चेहरे को देखकर लड़की फंसेगी क्या? अरे चेहरे में क्या रखा है, दिल में जगह होनी चाहिए। जेब में होना चाहिए माल, तुम्हारी है क्लास, मेरे जैसे बन जाओ टपोरी मांस। क्लास हो या मांस हो, अपना दिल, दिल साफ होना चाहिए। कोई लैला होगी तो वो मजनू से ही मिलेगी, और रोमियो होगा तो जूलियट से मिलेगा। भाई भाई, बाल माई के लोग आ रहे हैं, वो देखो इनकी गाड़ी। गाड़ी सीधे उसके सामने ले जा। तुम लोग मानोगे नहीं क्या? ए भज्जी, हमारे एरिया में तू क्यों आया? हाँ जुबान बात कर, तू हमारे बारे में जानता है ना? क्यों मैं, तू क्या कर लेगा? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? ये रोड क्या अपने बाप की जायदाद समझी है? जा यहाँ से, भाग गए यहाँ से। हमको उन्हें पता है, बाल माई के लोग है। बाल माई के लोग? तेरी तो बाल माई के लोग रोड पे कुछ भी करेंगे क्या? जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। इंस्पेक्टर, तू किसे बोल रहा है? तू भी भाग यहाँ से, चल बे गाड़ी निकाल, भागो यहाँ से, इसको सबक सिखाएंगे। तेरी तो भाग भाग। सामने पेस वेस्ट बिल्कुल वेस्ट है। क्यों, दिल्ली मुंबई में ईट नहीं मिलती है क्या? अरे मेरी पागल धन्नो, दिल्ली जाओ या पेरिस चले जाओ, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा? ईंट का चूरन लेके आधे घंटे तक दांत मांजने के बाद गरम गरम चाय की चुस्की लेने पर उसका मजा ही कुछ और है। ये लो चाय। हाँ। आहा। शहर में जो भी टेंशन हो उसका असर यहीं दिखाई पड़ता है। कुछ भी हो हड़ताल करो, बाहर देखो लोग कैसे चिल्ला रहे हैं। अरे पब्लिक को काम निकालने के लिए चिल्लाना पड़ता है। हाँ पब्लिक की तो बड़ी चिंता लगी रहती है, पत्नी चाहे जिए या मरे। तू ही तो मेरी हेमा मालिनी है, तेरे से शादी करने के लिए तू जानती है ना मैं साइकिल पे घूम घूम के रद्दी के पेपर खरीदा करता था। तुम तो एक गुंडा हुआ करते थे, मेरे पति तो मानो कहीं खो गए, जब देखो भू माफिया बनकर लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। दादागिरी दूसरे लोग करते हैं, कमाई मैं करता हूँ। इधर आ। अरे बाप रे। अरे भाई क्या हुआ? काम हुआ कि नहीं? हाँ समझो हो गया, चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करते रहना। हाँ काम हो जाएगा। अरे वो नुक्कड़ की झोपड़ पट्टी है ना, उसके लिए मेघानी का फोन आया था, उसे वो चाहिए। हाँ। अपने भाई के जरिए वो काम करवा रहे। पतंग भूमि पूजन करे भैया, नारियल फोड़ो। मुझे धक्का देता है, चल जा यहाँ से। तू कौन होता है मुझे यहाँ से निकालने वाला? अबे साला मत बन, तेरी तो तू ऐसे पहले बोर्ड मैंने लगाया। अबे मैंने पहले लगाया, अबे तू क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? भाई का वोट निकालने वाला तू कौन होता है? अबे ये बाल भाई की जमीन है, राम भाई की है। रुक जाओ रुक जाओ, ये मेरी जगह पर बोर्ड किसने लगाया? अरे मैंने रे। बाल माई, इस जमीन पर सबसे पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये मेरी है। ये क्यों कौन है? मेरी जमीन पे इनका तब से बोल रहे हैं? तेरी आंखें तो बटन है जो ऐसा बोल रहा है।
तेरी आंखें पड़ने से पहले इस जमीन पर मेरे पाँव पड़ गए। भज्जे ये बोर्ड हटा के अपना बोर्ड लगा। अगर बोर्ड को किसी ने हाथ लगाया तो यहीं पे काट डालूंगी। पीछे हट, इस जमीन का सौदा मेरे नाम पे हो चुका है। बकवास बंद कर, ये जमीन कायदे से मेरे हक में है। ये क्या बोल रही है? मगर ये है कौन? ये पेपर कौन है? बालमाई, गांधी वाले के इलाके में जितनी जमीन चाहिए ले ले, लेकिन ये जमीन तुझे नहीं मिलेगी। गोरे गांव में जो 50 एकड़ की जमीन मैंने हथियाई है उसको भी कोई छीन नहीं पाया है और तू मुझे धमकी दे रहा है। धमकी वमकी नहीं देता हूँ। क्या है ये सब? देखिए डीसीपी साहब, मेरी जमीन पे इनका कब्जा है बोल रहे हैं। प्लीज हेल्प मी सर, मेरी जमीन मुझे दिला दीजिए। मैं बात करता हूँ, तुम लोग नहीं सुधरोगे। लावारिस जमीन पर कब्जा करने वाले तुम दो मगरमच्छ हो, लेकिन मैं उनका भी शिकार करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पहले इसका हल निकालो ना। इस 3 एकड़ की कीमत कितनी है तुम्हें पता है? 6,60,00,000। तो क्या हमने ऐसे ही बोर्ड लगा दिया? हाँ जानता हूँ। जोगिंदर भाई सर, ये लो रख लो। क्या है ये? मेरी उससे तुलना कर रहे हो? तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, उसे इससे कम देकर भेज दूंगा। तुम जाओ। अच्छा चल ठीक है। हाँ चलो रे चलो। ए, चलो गाड़ी निकालो। ये लो राम। बाल माइक मुझसे ज्यादा दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें दे रहा हूँ वही उसको दिया, आधा आधा दे रहा हूँ, ले लो। ले ले भजी। ठीक है भाई। जाओ। ठीक है। इधर आ। अरे आना सर, वो ये सर। रख ले, ले पकड़, अब जाओ। क्यों जोगिंदर? हाँ जी। अब तो हैप्पी? हैप्पी सर। यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनाना। ओके सर। उस कोने में मेरे 2 फ्लैट बना देना। ठीक है। एक मेरी बीबी के नाम पर और एक मेरी माँ के नाम पर। बन जाएंगे सर। ठीक है जाओ, बाय। फूल देना। ए गीता, अच्छी तो है ना? मैं हूँ नरेश, नरेश ठाकुर। समझ में नहीं आया? नहीं समझी है तो जल्दी ही समझ जाएगी। ये देखा फूल? फूल का मतलब पता है? मतलब लव। तुम्हारे लिए लाया हूँ, ले लो ले लो ले लो। अगर बांद्रा में चिल्लाऊं तो अंधेरे में सुनाई देता है, और अगर यहाँ चिल्लाऊं तो चेंबूर हिलता है, इतनी पावर है मेरी। खैर वो सब छोड़ो, ये जानती हो सिर्फ फूल नहीं है, ये मेरा दिल है। तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा, मैं नफरत करती हूँ तुझसे। चलो गीता बैठो। हाय, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा यहाँ नहीं आने के लिए? गीता के लिए छोड़ता हूँ, चल निकल यहाँ से। गीता इससे क्या बात करनी है, बैठो। मेरे बारे में शायद तू जानता नहीं है, अगर तूने मुझसे टक्कर ली ना तो यहाँ से दूर नहीं जा पाएगा। यहाँ के भाई भज्जी को जानता है ना? इससे मुझे क्या लेना देना? नहीं जानता तो क्या हुआ? हाय, मेरे सामने चिल्लाना नहीं, चल हट। गीता तुम बैठो, आज तो बच गया, चलो कल नहीं बचेगा, निकल। हे झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका। अरे मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। रमेश। यस मैडम। स्नेहा। प्रेजेंट मैम। गांधी। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैडम, जरा साई को बाहर भेजेंगी? साई तुमसे मिलने कोई आया है? कहाँ है वो? वहां उस गाली में। तू अपने आप को समझता क्या है बे? उस दिन वहाँ पुलिस आ गई थी इसलिए तू बच गया। तू स्टूडेंट्स को नहीं जानता है? अबे तुम मेरा क्या कर लोगे? अरे साईं को किसी ने चाकू मार दिया है। जल्दी अस्पताल लेके चलो। चलो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेक्चरर्स हैं,
स्टाफ है और गेट पे खड़े रहने वाला वॉचमैन है, इन सब के होते हुए हमारे कॉलेज में कोई आके चाकू मार के भाग गया। दरअसल ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिन दहाड़े हमारे कॉलेज में घुसकर हमारे ही एक स्टूडेंट्स को कोई चाकू घोप कर भाग जाता है और ये वारदात कोई नहीं देख पाता है। व्हाट अ जोक। ये जो हुआ है वो हमारे कॉलेज के अंदर हुआ है, इसकी वजह से हमारे कॉलेज की नाक कट गई है। आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, समझ गए। कौन थे वो लोग, कॉलेज कैंपस में आके मारने की हिम्मत किसने की, बताना बता। अरे कोई नहीं था यार, छोड़ो ना। अरे बताना। मैं बताती हूँ। तुम चुप रहोगी। था नरेश ठाकुर, मैं और साई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम कॉलेज के सामने मिलते हैं, वो हमें परेशान करता है, जबरदस्ती मुझसे प्यार करना चाहता है वो नरेश ठाकुर। वो कहाँ होगा? कस्बा वाड़ी में। सुनिए, ये नरेश ठाकुर कहाँ मिलेगा? नरेश ठाकुर, चुप हो जा बेटे। नरेश ठाकुर को जानते हो? मैं नहीं जानती। चल रही। ये नरेश ठाकुर हम नहीं जानते। नरेश ठाकुर चलो दिखाता हूँ। क्यों रे, कौन है तू? तू ही है नरेश ठाकुर? हाँ मैं ही हूँ। तेरी शंकर, जल्दी आ जा, सुरेश को भी लेके आ जा। अकेला काफी हूँ। नरेश ठाकुर को तुम क्या समझते हो? खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसके पीछे कौन है जानते हो? मुझे किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। देखो भीमा, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ना ही साई तुम्हारा भाई है, जस्ट हमारा क्लासमेट है, वो भी लोकल स्टूडेंट। उसके लिए यहाँ सब लोग हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया। डर डर के जो जिया करते हैं वो कायर होते हैं। बेकार में पागलों से बात मत करो। ये नरेश ठाकुर जानते हो किसका गुंडा है? वो पेपर राम के लिए काम करता है, और उसके बारे में तुम नहीं जानते हो। जो होता है होने दो, तुम बीच में क्यों पड़ते हो? मेरे बारे में भी वो पेपर वाला नहीं जानता है। अगर वो एक मारेगा मैं दो मारूंगा, लेकिन मैं डर के नहीं भागूंगा। प्लीज भीमा, मेरी बात मान लो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। मुझे साई गीता की शादी करवानी है और शादी करवा के ही रहूंगा। बस इतना ही ना? हाँ इतना ही। ओके। मुझे साई गीता की शादी करवानी है और शादी करवा के ही रहूंगा। तीर सही निशाने पे लगा है। या! यस!
वो रोज यही चाय पीने के लिए आता है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। कौन है वो? वो रहा भाई। भीमा तू ही है क्या? हाँ मैं हूँ। तू खुद को समझता क्या है? मेरे एरिया में आकर मेरे ही इंसान का तूने हाथ तोड़ दिया। हाथ ही नहीं, मैंने उसका पैर भी तोड़ डाला है, देखा नहीं क्या? ये नरेश ठाकुर कौन है तुझे पता है? मेरा शागिर्द है, मेरा छोटा भाई है। जब मैं तुझे नहीं जानता हूँ तो उसको जान के क्या करूँगा? नरेश ठाकुर ने तेरे दोस्त को मारा, तूने नरेश ठाकुर को मारा, हिसाब बराबर। अगर तूने अब किसी के ऊपर भी हाथ उठाया तो समझ ले भज्जी तेरा गेम बजा देगा। भज्जी कौन है? बैंगन की भज्जी है या केले की भज्जी? ओए, तू भाई को क्या समझता है? बहुत डेंजर आदमी है, जानता है तो किससे बात कर रहा है? पेपर राम का राइट हैंड है, इनसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, तुम्हारे टुकड़े काट काट के समुद्र में फेंक देंगे। ए, तुम दोनों का क्या रिश्ता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और तुम लोग किसके लिए काम करते हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। अपने काम से काम रखना, मेरे रास्ते में जो भी आएगा काट डालूंगा। मेरे माँ बाप ने बिंदी लगा के मुझे ऐसे ही नहीं भेजा। इस बिंदी की कसम खा के बोलता हूँ, भीमा से मत टकराना। भाई ये क्या बोल गया? इसे कैसे ठिकाना लगाना है मैं जानता हूँ। तो चल। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। चलो बेटे पी लो। ए चुप करो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओ चुप भी हो जाओ। फोन बज रहा है। ए फोन। हेलो। हाँ बापू, केम छे बापू? हवे मने शू थाय दीकरा? हूँ मजा मा छू। बा शू करे छे? तारी बात अने खूब ज याद करे छे, हमेशा तेरे बारे में ही सोचती रहती है। ये क्या बोल रहे हो? हमेशा तेरा फोटो सामने रख के तुझसे बातें करती रहती है। अरे ओ भीमा, तेरी माँ तुझसे बात करना चाहती है। ले बात कर, ले बात कर ले। बेटा तू अच्छा है? बेटे मैं अच्छा हूँ माँ। तेरे बिना ये घर सूना सूना हो गया है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई करनी है ना। हाँ बेटे वो भी जरूरी है, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। मुंबई शहर तुझे रास्ता आ रहा है ना? हाँ हाँ माँ। खाना पेट भर के खाता है ना? मैं पेट भर के खाता हूँ, जरा दादी माँ को दो ना। देती हूँ, ले बात कर। हेलो दादी, अच्छी हो ना? हाँ हाँ मुझे क्या, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू इतने बड़े शहर में गया हुआ, सोच सोच के मेरी जान निकली जा रही है। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ दादी माँ, यहाँ बहुत अच्छी दीदी और जीजा के साथ रहता हूँ। हाँ हाँ तेरे बापू ने मुझे उनके बारे में सब बता दिया है। अच्छा अपनी दीदी को जरा फोन दे। दीदी, दादी आपसे बात करना चाहती हैं। नमस्ते दादी जी। क्यों बेटी, तेरा ही नाम गायत्री है ना? हाँ हाँ मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में सब बता रखा है, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो बेटी, मेरा बेटा बड़ा शर्मिला है, वैसे तो उसे कभी भी गुस्सा आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो बस हो गया। हाँ आपने सही कहा, ये बात मुझे भी अब पता चली है। बचपन में जब उसे गुस्सा आता था तो मैं ही मनाया करती थी। सुनो उसका जरा ख्याल रखना, कभी कभी बहुत जिद करता है, उसे संभाल लेना, उसके ऊपर तो मेरी जान अटकी हुई। अरे बाप रे कितनी देर से बात तो करने दो। हेलो बेटी गायत्री, उसे कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर वो बहुत खुश है। हाँ हाँ वो बड़े शहर में जो है। आप भी कभी आ जाना, चार दिन रुक कर जाना। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं लौंडिया, गाल देखो गुलाब जामुन की तरह लग रहे हैं। ये गुलाब जामुन पता नहीं किसकी किस्मत में है। किसी का मजाक उड़ाना हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, इसलिए एक दूसरे का यहाँ मजाक उड़ाते हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये पॉलिसी अपनाओगे तो अच्छे रहोगे। ओके किसी का मजाक उड़ाना हमारी संस्कृति नहीं है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये पॉलिसी अपनाओगे तो अच्छे रहोगे। ओके साई, साई, अबे क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? अरे बता ना,
रो क्यों रहा है बता तो। मेरी गीता कॉलेज नहीं आ रही है यार। क्यों नहीं आ रही है ये जानने के लिए उसके घर फोन किया। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया फोन काट दिया। फोन क्यों काटा होगा? क्यों काटा ये जानने के लिए मैं सीधा गीता के घर चला गया। गीता ने मुझे झांक कर देखा लेकिन फिर भाग कर वो घर के अंदर चले गई। फिर उसके पिताजी आए। अगर दोबारा आया तो जान से मार डालूंगा ऐसा बोलकर मुझे धमकी दी। तो हिम्मत रख यार मैं हूँ ना। सुबह उठते ही सबसे पहले गीता के घर जाएंगे। दीदी वो साई आया है। सुनिए साई दोबारा आया है। साई मैंने उसी दिन बोल दिया था ना बाहर निकलो। सर हम साई के क्लासमेट हैं आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। प्लीज सर। प्लीज सर। बैठो। सर साई गीता प्यार करते हैं आप जानते हैं ना उसी के बारे में बात करनी है। ये बात है तो प्लीज बाहर निकल जाओ। गीता के बारे में कोई बात मत करना। उसका मैंने कॉलेज भी बंद करवा दिया है। रोज रोज मौत का सामना नहीं कर सकते। कॉलेज आते जाते रोजाना उससे मौत का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उम्र में तुम उसे छोटे हो फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेहरबानी करके चले जाओ। प्लीज सर हमारी बात तो सुन लीजिए। हम मना करें समझ में नहीं आता क्या? हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। गीता की ऑलरेडी सगाई हो चुकी है। अच्छा ठीक है आपकी बात भी सही है। गीता आपकी साली है आप कहीं भी शादी करा सकते हैं। हम आप पर जोर जबरदस्ती करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। बोलो गीता यहाँ सबके सामने बोलो क्या तुम इसे प्यार नहीं करती हो? अगर नहीं तो हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। बोलो। देखा आपने गीता ने कुछ नहीं बोला क्योंकि दोनों आपस में प्यार करते हैं। साई गीता को चाहता है गीता साई को चाहती है। गीता अगर खुश नहीं रहेगी तो क्या आप लोग खुश रह पाएंगे? अरे तुम जानते क्या हो वो नरेश ठाकुर और भज्जी ने क्या किया तुम जानते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इसे क्या समझ रहे हो? गीता मेरी गीता। अबे तुम्हारी भाभी है। चलो हटो वहां से हटो। गीता ए गीता ए दरवाजा खोल ना गीता। ए गीता खोल। कौन है तुम लोग? नमस्ते भाई। अरे मैं हूँ नरेश ठाकुर ये गीता के जीजा है। भैया नमस्ते भाभी नमस्ते। हाय तुम्हारा नाम क्या है? राशि। वेरी गुड। बेटे आशीष आजा 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 आजा। शगुन की थाल नीचे रखो। ये सब क्या है? तुम कौन हो ये सब क्या है? नरेश ठाकुर की सगाई है ना। क्या ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? तू तो बहुत सुंदर है बेटे। तू इनके घर में आके खड़ा क्यों है जाके बैठना। ऐसी बात नहीं है भाई। भैया आप बैठिए ना। भाभी आप खड़ी क्यों है बैठिए ना। मेरे घर में आकर मुझे इज्जत देने की जरूरत नहीं है बात क्या है बताओ। अरे तू उन्हें क्यों बैठने के लिए बोल रहा है तू जाके बैठना। ए आशीष इधर आ इधर आ। मेरे भाई को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। कॉलेज जाते हुए आते हुए बस उसी को देखता रहता है। उसे लव हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं उसे फूल भी दिया। फूल देने से प्यार हो जाता है। अब दोनों की शादी होनी ही बाकी है। पहले बाहर निकलो यहाँ से। ये सब क्या लगा रखा है तुम क्या समझते हो? मैं ओए चुप सुन जल्दी शादी हो जानी चाहिए। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। चले थाल उठा। भाई ने डिसाइड कर लिया है इसीलिए। अरे कौन है तुम्हारा भाई? ए बोल। भाई को नहीं जानते। चेंबूर से लेकर विरार तक छोटा बच्चा भी भाई का नाम बता देगा। अगली 15 तारीख को शादी है। तुम्हारी बेटी के गले में मेरा भाई मंगलसूत्र पहनाएगा। हाँ ये शादी भाई ने डिसाइड की है। लो पकड़ो शगुन की छाल पकड़ो जल्दी। लो मैं नहीं लूंगा। लो मैं नहीं लूंगा। ले ज्यादा नहीं लूंगा। कहाना नहीं लूंगा। ले लीजिए ना। मैं नहीं लूंगा। पकड़ आप कुछ मत कहिए ले लीजिए। अब गीता मेरी है। गीता के बीच में कोई भी आए तो उसे काट डालूंगा। अब गीता कल से कॉलेज नहीं जानी चाहिए और ना ही साई से कोई बात करेगी। किसी से कोई मिलना जुलना नहीं क्योंकि अगर मेरा भेजा खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ गीता मेरी है। बिल्कुल मत डर गीता नरेश ठाकुर की है। हाँ। दोनों की सगाई हो गई है। चलो 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 अगर गड़बड़ की तो जान से मार डालूंगा। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ
आप बस इनकी शादी के लिए हाँ कर दीजिए, उसके बाद चाहे कोई भी आए, ये शादी मैं करवाऊंगा। कंग्रेचुलेशन साई। ओके थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। हे भीमा, हाय। हाय। ओके बाय यार। बाय बाय। साई के साथ गीता की शादी कराने का जो तुमने चैलेंज लिया है ना, वो साक्षात भज्जी और पेपर राम के साथ चैलेंज है। चाहे कैसी भी भज्जी क्यों ना हो या कितना ही बड़ा पेपर वाला हो, स्टूडेंट्स की पावर के सामने वो वेस्ट पेपर है। देखो भीमा, ठंडे दिमाग से बैठकर एक बार फिर से सोच कर देख लो सही है या नहीं। ये स्टूडेंट्स की ताकत ही नहीं, दुनिया में सारी ताकतों के सामने प्यार की ताकत बड़ी होती है, और साई गीता के प्यार में ताकत है। हाँ सच में भीमा, वैसे तुम जो ये साई और गीता की शादी करा रहे हो, धर्म का काम है। इसके बीच में पेपर राम ही नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, ये शादी धूमधाम से करवाऊंगा, यकीन नहीं तो खुद देख लेना। ऑल द बेस्ट यार।
घर में शादी के लायक हमारी बेटी है, उसके बारे में कभी ठंडे दिमाग से सोचा है? फिर शुरू हो गई। हाँ तो 3 दिन हो गए हैं भारती से तुम्हें बात किए। मैं काट डालूंगा। उसे साफ साफ बोल दे कि कहानी बोलना बंद कर दे और शराफत से मैंने जो पेपर्स भेजे हैं उनके ऊपर दस्तखत कर दे और अपने पैसे ले जाए। अगर उसने नखरे किए तो 24 घंटे के अंदर पूरे परिवार को काट डालना। हमेशा यही करते रहना, जब देखो उसे उठा लो, उसे मार दो, उसे काट दो, यही बोलते रहते हो कि यही जिंदगी है। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला ना तो टेटुआ दबा दूंगा। आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना क्योंकि यही मेरी जिंदगी है, यही और इसी के अंदर मैं जीता हूँ। बस बस और थोड़ी सी भाई, इतना बस है भाई। भाई मैंने इनके ही बारे में बताया था। नमस्ते सर। मेरा नाम है रबिक लाल। प्रॉब्लम क्या है? चौधरी से 6 करोड़ रुपए का घर लिया था, वो बीवी के नाम पे रजिस्टर भी करवाया था, लेकिन अब वो चौधरी घर की डिलीवरी देने में नखरे दिखा रहा है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ओके, चौधरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जी हाँ सर, 24 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। अच्छा वो बिल्डिंग कितने की है? अभी 7 करोड़ की। 20% मालूम है ना? मालूम है सर। तुम्हारा काम हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से। जी अच्छा अच्छा चलते हैं। भाई भाई सबके सारे काम हो रहे हैं, गीता से मेरी शादी होगी ना? तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाय, कौन है ये? ये अपनी भारती है। भारती है? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, टुडे समथिंग स्पेशल? ये क्या, हम कुछ पूछ रहे तो इधर उधर देख रही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो। ठीक है चलो। हाँ, चलो। क्या बात है, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? वो दरअसल क्या है कि, अरे हमें भी तो बताओ क्या बात है। भीमा कहाँ है? भीमा? भीमा के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्यों, समथिंग स्पेशल भीमा के लिए पूछ रही हो? समथिंग्स हैपनिंग। ए वो देखो भीमा। ए, भीमा मुझे देख रहा है क्या? हाँ देख रहा है। भीमा देखे तो तू देखना, तू देखे तो भीमा देखेगा। कुछ भी हो चलो उसके पास चलते हैं। हाँ चलो। ए रवि देख मेरी ड्रेस अच्छी है क्या? इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। ए छुटंके, चप्पल निकाल के बात करूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी लग रही हो। भीमा तुम बताओ मेरी ड्रेस अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत है। भीमा, नरेश ठाकुर गीता को उठा ले गया। भीमा अब क्या करेंगे? तू बिल्कुल मत डर, मैं गीता को लेकर आता हूँ। साई और गीता की शादी हम कॉलेज में करवाएंगे, ये शादी जरूर होगी, शादी की तैयारी करो। ठीक है भीमा, चलो हम लोग तैयारी करते हैं। तू मत डर यार, तेरी शादी हो जाएगी। चलो। अरे आओ डेविड, अच्छे हो ना? ये भाई ने भेजा है। हाँ, हाँ। भाई दिल्ली गए हैं इसलिए यहाँ मुझे भेजा है। ठीक है कोई बात नहीं। ए नरेश। हाँ भाई। जल्दी आ, अभी आया भाई। देखो इधर भाई ने भेजा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छे हो ना? हाँ मैं अच्छा हूँ। भाई ने भेजा है। भैया लड़के को लेकर अभी आ जाएगा। ड्रेस बढ़िया है ना? हाँ भाई। हाँ लो भैया ये हाथ में अक्षत ले लो। शादी मुझे करवानी पड़ेगी, भाई आते तो अच्छा होता। सच कहा? अरे नरेश तेरी शादी करवाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, तू वाकई बहुत किस्मत वाला है। लीजिए ये भी हाथ में रखिए, यजमान राहु काल शुरू होने वाला है, तुरंत कन्या को लेकर आइए। दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। भाई ये कह रही है गीता नहीं है। Wish you a happy married life. साई शादी हो गई। शादी मुबारक हो साई। हेलो कौन? अबे मैं हूँ भीमा।
क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुझे चाहिए वो मेरे पास में है। वो क्या है? अरे भाई, तू जिसकी इंतजार में है गीता। हे भीमा, जो कहता है करता है। साई और गीता की यहाँ कॉलेज में ही हमने शादी करवा दी है। तू और तेरा वो भज्जी और वो तेरा भगवान पेपर राम सबके सब बैठ गया भजन गाते फिरना। हाय, भीमा गीता को उठाकर ले गया और उसकी शादी भी करवा दी। क्या? भीमा उठा के ले गया? अबे तुम लोग क्या कर रहे थे? एक लड़की को ठीक से संभाल नहीं पाए तुम सबके होते हो, कैसे उठा के ले गया? ये अगर भाई को पता चला है डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। हाय, गीता की शादी हो गई, गीता के बिना मैं नहीं जी सकता। ओहो, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। हटो 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 यहाँ से, हटो मेरे पास से। तूने क्या किया? उठाओ इसे, जल्दी उठाओ, अस्पताल ले जाना होगा। भाई वो भीमा हमारी आंखों में धूल झोंक कर गीता को उठा ले गया और अपने दोस्त से शादी करवा दी। उसका नाम क्या बताया? भीमा भाई। वो करता क्या है? कॉलेज में पढ़ता है। उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या? नहीं भाई। क्या उसका कोई सगे वाला रहता है? वो भी कोई नहीं है, वो अकेला रहता है। अहमदाबाद से आया है, कॉलेज का नेता बन गया है। डूब के मर जाओ। हा? नरेश ठाकुर कौन था? भज्जी का राइट हैंड। और ये भज्जी कौन है? इस पेपर राम का राइट हैंड। और मैं सेंट्रल का राइट हैंड। कोई लौंडा आकर गीता को उठाकर ले गया जिसकी वजह से नरेश ठाकुर ने आत्महत्या कर ली और तुम उसकी पिक्चर देख रहे थे। तुमने मेरी इज्जत का फलूदा निकाल दिया। हम कुछ करते उससे पहले उसने खुद को गोली मार ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो क्या चाहता था? गीता को शादी करना चाहता था और तुमने 30 बार कहा बनके उसे हाँ कर दी। कहा कि पेपर राम की आशीर्वाद से ये शादी होगी। इतना सब होने के बाद भी उसने क्या किया? एक लड़की के चक्कर में आत्महत्या कर ली। दिल तो करता है तुझे, तुझे शूट करने का दिल करता है। हमारे घर में घुसकर उसने हमारे ही लोगों को ठोका, उसकी इतनी हिम्मत? वो भीमा है कौन? काट के फेंक दो उसे। वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, सूर्यास्त से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। पेपर राम के लोग गीता को उठा के ले गए। क्या बात है भारती, आज इतनी रिलैक्स क्यों? हम लोग सुनने के लिए उतावले हैं। क्या बात है, जल्दी सस्पेंस खोलो। हमारे डैडी ने गीता के साथ क्या किया? हाँ, यानी गीता का चैप्टर क्लोज? क्या वो क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग। गीता को पेपर राम ने किडनैप करवाए ये बात भीमा को पता है या नहीं? फिर भी वो तो ठीक है, पेपर राम के घर में घुसकर भीमा क्या करने वाला है?
क्या करने वाला है क्या नहीं ये बात नहीं है, वो बोलता नहीं है करता है। पेपर राम के घर में शेर की तरह अपनी तरफ आते हुए जब भीमा को देखा तो उन्हें एक नहीं दिखा, उन्हें एक साथ 10-10 भीमा दिख रहे थे। उसका वो लुक, वो स्टाइल, वो गुस्सा, वो पावर, अरे बाप रे बाप। जब मैं वो सीन देख रही थी तो मुझे दिखा एक एक गुंडे को उठा उठा के मार रहा था। उसके बाद में क्या हुआ? आदमखोर शेर की तरह भीमा उनके घर में घुस गया। बदन में बहुत ताकत है और चेहरे पे रौनक है, तुम्हारे चलने में रुआब है, हाइट भी तुम्हारी अच्छी खासी है, तुम जाके किसी फिल्म वगैरह में काम क्यों नहीं करते हो? रोज नई नई हीरोइनों से मुलाकात होगी, जी भर के एंजॉय करना। मैं अपने बारे में जानता हूँ, गीता कहाँ है? इसे गीता चाहिए। कहाँ है गीता? क्यों रे, मुझे धमकी दे रहा है? ये नरेश ठाकुर की कोई गली नहीं है, दरबार है, पेपर राम का दरबार। हाँ तो क्या हो गया? तूने अपने दोस्त के प्रेम के लिए उसकी मंगेतर से शादी करवा दी, वैसे ही अपने नरेश ठाकुर की आत्मा की शांति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दावत देनी चाहिए। अगर गीता को कुछ हुआ ना? अभी तक तो उस बेचारी को कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो होगा वो पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा। अरे वो भज्जे भाई, गीता से प्यार कौन करता था? नरेश ठाकुर भाई। और उससे शादी किसने की? इसके दोस्त साइना भाई। तो फिर सुहागरात कौन मनाएगा भाई? वो तो, अरे पागल तू मनाएगा रे। भाई ये क्या बोल रहे हो? जा ऐश कर जा। छोड़ मुझे। ले जाओ उसे। और उसने गीता को बचा लिया, दैट इज भीमा। जैसा चमके तेरा गोरा बदन, अरे गोरा बदन, लग जा मेरे सीने से तू जाने मन। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, चांद जैसा चमके तेरा गोरा बदन, अरे गोरा बदन, लग जा मेरे सीने से तू जाने मन। मैं चंदा तेरी तू मेरा चकोर, मेरा चकोर, पास मेरे आएगा तू जल जाएगा। तू मेरी रंभा है, तू मेरी मेनका, भाषा यही समझे है यारा, भाषा यही समझे है। चांद जैसा चमके तेरा गोरा बदन, अरे गोरा बदन, लग जा मेरे सीने से तू जाने मन। मैं चंदा तेरी तू मेरा चकोर, मेरा चकोर, पास मेरे आएगा तू जल जाएगा। ओ
बनाया तुझे जानम है तू ही मेरी जान जा जान जा। सांसों में तू है मेरी धड़कन में तू है मेरी साजन है तू ही मेरी प्यार का प्यार का। तन है गुलाबी तेरा अंग है शराबी झूम जाओगे अगर आजमाओगे। ऐसे नहीं वैसे नहीं तू तो है जल की परी जलवा तेरे हुस्न का रे बाबा घायल करे है मुझको चुमा 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 जलवा तेरे इश्क का जैसा अरे चांद जैसा अरे चांद 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 जैसा चमके तेरा गोरा बदन अरे गोरा बदन लग जा मेरे सीने से तू जाने मन मैं चंदा तेरी तू मेरा चकोर पास मेरे आएगा तू जल सी आंख तेरी चाल जैसे बहती नदी जो देखे वो बोले अभी जा लोगों की बात छोड़ो दिल के दरवाजे खोलो फिर दिल से बोलो मुझे अभी जा मेरी जान तू ही है मेरा प्यार तू ही है यार तू ही है मेरा प्यार तू ही है। किससे कहूँ चल जानम तुझसे कहूँ जलवा तेरे हुस्न का रे बाबा घायल करे है मुझको ओ, 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 ओ। जलवा तेरे इश्क जैसा अरे चांद जैसा अरे चांद 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 जैसा चमके तेरा गोरा बदन अरे गोरा बदन लग जा मेरे सीने से तू जाने मन मैं चंदा तेरी तू मेरा चकोर पास मेरे आएगा तू जल जाएगा। आज इवनिंग शो पिक्चर चले? अरे लेकिन टाइम हो गया है ना भाई खिला चलोगे? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? वहाँ से खाली आना पड़ेगा। अरे सवारी मिल जाएगी। 80 रुपए होंगे। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मीटर पे इतना ही होगा। तो मीटर से चलो। वहाँ के लिए हम मीटर नहीं डालते। सबको पीछे हटाओ पीछे हटो पीछे हटो। वो देखिए साहब उस पेपर राम के आदमियों ने क्या किया देखिए। देखिए साहब पेपर राम को अरेस्ट करो उसी ने इनको मारा है हम सब गवाही देंगे सर। जब तक उसे अरेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्हीं पेपर राम को अरेस्ट करना होगा। उन्हीं पेपर राम को अरेस्ट करना होगा। पेपर राम को अरेस्ट करना होगा। शांत हो जाओ जब तक अरेस्ट नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स लोगों पे हाथ डालने पर यही होता है भाई। इंडिया गेट पर न जाने मैंने कितनी बार गोलियां चलाई तभी वहाँ पब्लिक देख रही थी। संसद गेट के सामने मैंने एमएलए भूपेंद्र को टपकाया तब भी पब्लिक देख रही थी। इतना ही नहीं अब तक इतने खून कर डाले लेकिन कभी किसी ने गवाही नहीं दी। अरे राम अरे डीएसपी साहब को गरम गरम चाय पिलाओ रे। आइए अरेस्ट कर लो। तू क्या मुझे अरेस्ट करेगा यार हा? देखो राम आज तक तुमने जितने भी कुकर्म किए वो देख कर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला लेकिन इस बार तुमने एक प्रेमी जोड़े को रोड के बीचों बीच मार डाला। भज्जी जरा दिल्ली फोन लगा। अभी लगाता हूँ। तुम दिल्ली फोन लगाओगे ये मैं जानता था। भाई फोन कोई नहीं उठा रहा है। अरे फोन कोई नहीं उठाएगा तुम्हें अरेस्ट करने के लिए होम मिनिस्टर ने ही भेजा है। अरेस्टेड। अरे अरे रुको रुको फोन चलो। देख क्या रहा है। ए, तुम पीछे हटो चल जा। राम तुम चलो जा। अरे इसे ले जाओ तुम भी जाओ। ए, ले जाओ इसे तुम लोग चलो जाओ यहाँ से चलो जाओ। गुड है। हमारे भविष्य के लिए ये खाना जरूरी नहीं है हमारी शादी जरूरी है। चल मैं बात करता हूँ। लेकिन माँ तो नहीं मान रही है। मनाने की कोशिश करेंगे चल। तो ठीक है चलो।
जरा बाहर जा रही हूँ। हाँ अच्छा। घर का ख्याल रखना। मम्मी मैं इससे प्यार करती हूँ, हम दोनों की शादी करवा दो ना। तुम्हारी माँ को देखने से कैसा लगता है पता है? जैसे डेयरी के व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा है, होलसेल का धंधा होगा। किस होलसेल की बात कर रहे हैं अबे? अरे बाप रे, मैंने तुझे फुटकर का धंधा दिया, तूने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। ये विश्वासघात नहीं है, मोहब्बत है। मैंने अपने बेटी के रिश्ते के लिए बड़े बड़े घरों में बात चला रखी है, इसे मैंने संगीत भी सिखाया है, और तेरे जैसे भिखारी को मेरी बेटी चाहिए। मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं काम करता हूँ, किसी तरह से बेरोजगार नहीं हूँ, इतना ही नहीं मैं ईमानदार भी हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। तू जल्दबाजी मत कर बेटी, मेरी बात मान ले। इंसान को जिंदगी में सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है ना मम्मी। अगर तुम चाहो तो। अगर अब जबान खोली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे बाप रे। अरे तुम चुप रहो ना, मम्मी को क्यों गुस्सा दिला रहे हो? तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, वो सठिया गई है, खर्चे के बारे में सोच रही है। मम्मी जो भी करेंगी हमारे अच्छे के लिए करेंगी ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ इनके पैरों में गिर के आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है? चलो 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 चलो। अरे ये क्या? ए, गाली निकाल, हमारी मुराद पूरी हो गई। हाँ भाई, ठीक है भाई। ए, ए, भारती। ए। ये क्या भीमा, हमारे प्यार को सस्पेंस रखते हो, दूसरे प्यार करे तो शादी करा देते हो, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी मुझसे भी तो प्यार करो। ठीक है, तो यहीं पर प्यार करूं? शट अप। अच्छा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माँ से बहुत प्यार करते हैं ना, लेकिन तुम पता नहीं क्या हो, जो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। मैंने सही कहा ना? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, माँ से तो बहुत प्यार करते हो, यानी मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम अच्छी नहीं लगती हो? सच्चा प्रेम अमर हो जाता है, सच्चे प्रेम के लिए हमें गट्स होने चाहिए। यानी अगर वैसी लड़की मिल जाएगी तो ठीक रहेगा ना? मेरी किस्मत में वो सब कहाँ, इस जन्म में तो नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ए, मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारी माँ को बहुत चाहते हो, इसमें कोई बात नहीं है, चलता है, लेकिन इस चक्कर में तुम मुझे मत भूल जाना प्लीज। मुझसे शादी करोगे ना? तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, प्यार करो तो शादी करो बोल के जान खाती हैं। जवानी में इंसान को प्यार करके मस्त रहना चाहिए। अच्छा, मेरे बारे में तुमने अभी तक किसी को बताया है, मतलब मम्मी डैडी से? जल्दी से बता दोगे तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो कल ही मैं बापू से बात करूंगा। हेलो। हाँ बोलो। हाँ। बाप रे, शहर में इतने बड़े बड़े घर होते हैं। अरे आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आ रहे हैं, जब से इसे पता चला है तभी से बस आप सबका इंतजार कर रहा है। माँ, मेरे लिए गायत्री मैडम साक्षात देवी के समान है। अच्छा, आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही है ना? जी हाँ। हमेशा तुम्हारे बारे में, बच्चों के बारे में और तुम्हारे घर के बारे में ही बात करता रहता है। हमारा भीमा किस्मत वाला है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप सब लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। गायत्री चलो खाना लगा दो। ये क्या धीरे धीरे खा रहा है, ठीक से खाना। माँ बस काफी है। अरे खाना। माँ बस बस, ये मिठाई ज्यादा मीठा खाऊंगा डायबिटीज हो जाएगी। क्या डायबिटीज? मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मैं आज भी अच्छा खाती हूँ। हाँ। डायबिटीज नहीं डायबिटीज। अरे चाहे कुछ भी हो, तू खा, तू खा ना बेटा। ए, ये क्या है? स्वीट। वो मैं भी जानती हूँ। ये तू क्या कर रहा है, कितने प्यार से तुझे खाने को दिया, तूने उसे दे दिया। ज्यादा खाने से ताकत आती है, देख मेरी ताकत। हाँ हाँ, पुराने जमाने का खाना है तो ताकत होगी ना। इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, मुझे उन्होंने क्या बोला था पता है? क्या बोला था? कि तुझे मुंबई ले जाकर इंडिया गेट दिखाऊंगा, एलिफेंटा केव्स दिखाऊंगा, लेकिन आखिर तक दिखाए नहीं, अब देखने को मिलेगा या नहीं। दादी माँ आप चिंता मत कीजिए ना, कल आप सबके घूमने का इंतजाम कर दिया है। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटी, मेरी मुराद पूरी कर दी। वैसे ही वहाँ के बड़े मंदिर में जाकर मुंडन भी करवा लूंगी। उसके लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत, हजाम को बुला लो, यही गंजा कर देगा। मुंह बंद कर, जब देखो मजाक उड़ाता रहता है। भाई पीताम्बर साहब दिल्ली गए हुए हैं, फोन लगाने पर फोन नहीं उठाते हैं, वैसे वो आपको जरूर छुड़ा लेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं भाई। अजी, यही सरकार डालूंगा, एक एक करके सब लोगों को काट दूंगा। मुझे जेल में बंद करवा के बाहर तमाशा देख रहे हो, मैंने सच कहा ना? भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आपके केस में कोई भी नहीं पढ़ना चाह रहा है। पार्टी के सभी लोगों से बात करके देखा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। करीम भाई और मुन्ना भाई से भी बात की, बड़े से बड़े वकील से भी मिले, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। फुटपाथ से लाकर मैंने तुझे इतना बड़ा किया, देख लूंगा।
भाई, बीमा के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं, लेकिन अबे तो कर डालो ना ये, लेकिन क्या है? ऐसा नहीं, भीमा के साथ। भीमा के साथ? अबे क्या है भीमा के साथ? भाई वो भारती। भारती? उसने भारती के साथ क्या किया? भाई किया तो कुछ नहीं है, लेकिन दोनों को देखने से लगता कोई प्यार ब्यार का चक्कर है। भाई सिर्फ मैंने ही नहीं, दो तीन लोगों ने देखा है, भारती उसे प्यार करने लगी है। हाँ भाई मैंने भी देखा है। तो तुम लोग क्या कर रहे थे? भाई अहमदाबाद से भीमा के माँ बाप मौसी आए हुए हैं, भारती उन्हीं के साथ है। क्या क्या बोला, फिर से बोल। भाई भारती उन्हीं के साथ है। वो नहीं, उसे पहले क्या बोला था? हाँ वही तो भाई, उस भीमा के माँ बाप मौसी अहमदाबाद से आए हुए हैं। बढ़िया, खेल खत्म। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, आज मेरा जीवन सचमुच धन्य हो गया। कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कितना बड़ा देखो किला ना है। माँ जी ये आखिर है किसका? महाराणा प्रताप शिवाजी का किला है। सही कहा, बहुत सुंदर है। अरे बाप रे इतना बड़ा दरवाजा। यहाँ खड़े रह के ताली बजाएंगे ना तो वहाँ से आवाज सुनाई देगी। वहाँ से सुनाई देगी, तब तो मैं भी बजा के देखती हूँ। आप भी एक बार ताली बजा के देखिए। हाँ और आवाज वहां से आएगी। तेरे बाप ने गुंडों को भेजा है तो इन सब का यहीं ध्यान रखना। हम लोग यहाँ से वहां जाएंगे, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे हाँ बहुत सुंदर है। और वहां देखिए वो वाला। अरे कौन है? कोई नहीं माँ, मेरा दोस्त है। दोस्त है? हाँ माँ, यहाँ भी जाता है दोस्त बना लेता है। आप आइए वहाँ चलते हैं। ठीक है बेटी चल। आज तो मजा आ गया। हे भगवान, ये भीमा फिर से गायब हो गया। चला 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 चला। क्या हुआ माँ? तो कहाँ गायब होता रहता है? अरे तू कहाँ गया था? चलिए बापू आप लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। अब फिर से तू कहाँ जा रहा है? तो सही, अभी आता हूँ। इधर ध्यान रखना, क्या करने जा रहा है? ये कहाँ चला जाता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, आ जाओ बाहर आओ, माँ का दूध पिया है तो बाहर आओ। अरे बापरे बापरे बापरे, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या पूरे दिन यहीं बैठे रहेंगे? थोड़ी देर में आ जाएगा, आप बैठिए ना। नहीं नहीं मुझे सब देखना है, बाद में देख लेंगे। भीमा को आने दो, पता नहीं कब आएगा। चलो चलते हैं। दो मिनट साथ में चलता है, उसके बाद गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। दादी माँ, दादी माँ, यहाँ नहीं, उधर। क्या हुआ? इधर चले? हाँ चलो। यहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या और नहीं तो क्या, एक ही जगह पर बैठे रहेंगे? यहाँ तो हमें घुमाने के लिए लेकर आया है, खुद ही गायब हो जा रहा है। वैसे तू कहाँ गया था? तो कहाँ चला जाता है? छे छे, पता नहीं हमें क्यों जल्दी लेकर आ गया, बहुत कुछ देखना था। ना इंडिया गेट गए ना एलिफेंटा केव्स, लेकिन अगली बार मैं दोनों जगह जरूर देख कर जाऊंगी। ठीक है चलो, अगली बार जब आओगी तो सब दिखाऊंगा। तो अभी क्यों नहीं दिखाया? चल ठीक है, अगली बार आऊंगी तो देख लूंगी। मेरे बेटे का अच्छी तरह ध्यान रखना। आप चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल। मुझे कोई चिंता नहीं है।
भीमा कोई छोटा बच्चा थोड़ी है और हम सब लोग है ना, आप लोग किसी बात की चिंता मत करना। बेटा चलता हूँ, तुम भी हमारे घर जरूर आ। जरूर आ, रिक्शा आ गया, चलो। अरे इनसे बात तो कर रहे ना पहले, पता नहीं किस बात की जल्दी है। अरे बेटे तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? अंदर बैठो। बिल्कुल अपने दादा पर गया है, आप लोग संभल के जाना दादी जी। हाँ कभी कभार आते रहिए। अच्छा हो जाओ भाई। भाजी कहाँ गए रे? वो भाई भीमा को भी तो खत्म किया कि नहीं? नहीं भाई, उस भीमा ने हमारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है भाई। तमाशा देखने आया है? पेपर राम जेल में बंद है तो बाहर दुश्मनों के साथ मिलकर जश्न मना रहे हो? मैं भले ही जेल के अंदर हूं लेकिन इज्जत बरकरार है, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ सुनो राम, तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना राम, तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के ऊपर बहुत सारे केस हैं। तुम्हारा चैप्टर क्लोज करने के लिए बड़े बड़े लोग, खासकर विपक्ष वाले, ये सब तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। तुम जिसे मानना चाहते हो वो भीमा मामूली नहीं है, उस कॉलेज का वो लीडर है। उस कमीने को कुत्ते की तरह गली में दौड़ाकर ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाए। पहले उसके लिए यहाँ से बाहर तो निकलो। उस भीमा ने जो तुम्हारे लोगों को मारा है उनमें से कुछ लोग इतने सीरियस हैं कि कभी भी उनकी मौत हो सकती है। गणेश अपनी याददाश्त खो चुका है, राजेश के पैर की हड्डी इस तरह टूटी है कि उसका पैर काटना पड़ेगा। तुम्हारे इतने लोग हैं और वो अकेला है, इसलिए उससे निपटने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। मेरी बात सुनो, पुलिस वाले, अखबार वाले, वकील लोग और जनता, कोई भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सोच लो। इस केस से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। बताओ कौन सा, जल्दी बताओ। तुम बाल माइक के साथ हाथ मिला लो। दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे उससे हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सारा का सारा मुंबई जानता है कि पेपर राम और बाल माई दुश्मन हैं। कल एक केस के सिलसिले में मैं उनसे मिलने वाला हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो चक्कर मैं चलाऊंगा। बाल माई हैं? काम क्या है? बोलो कि पेपर राम का वकील आया है। नमस्ते बालामाई दीदी। क्यों रे वकील, किसका कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए आया है? किसी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं, किसी का सर झुकाने के लिए आया हूँ। जरा खुल के बता, लेकिन दो ही दो लाइन में सब कुछ बता देना। वो पेपर राम जेल में बंद है ये तो आप जानती होगी ना? अरे वकील ये बात सिर्फ मैं ही नहीं पूरा इंडिया जानता है। उन्हें बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसी हालत में उन्हें बस तुम ही जेल से छुड़ा सकती हो। कहीं रास्ता भटक कर तो मेरे पास नहीं आया है? ओहो मेरा विश्वास करो दीदी, वो राम तुम्हारी जायदाद और तुम्हारा धंधा चौपट करना चाहता था ना, उसके लिए अब तुम उसे सबक सिखा सकती हो। उसकी जायदाद भी तुम्हारी हो जाए ऐसा प्लान बनाऊंगा। रद्दी पेपर वाला, रद्दी पेपर पुराने अखबार वाला। अरे सुन, रद्दी क्या भाव लेगा? 4 रुपए किलो। 5 रुपए में लेना। 4 रुपए? 5 रुपए में ले। अरे यार 4 का भाव है। 5 रुपए में ठीक है, ला जा। ये ले इसके पैसे। रद्दी पेपर पुराने अखबार वाला, पुराने पेपर खाली बोतल। उसकी लड़की की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई धोखा किया तो? ये क्या दीदी, तुम्हारे साथ में कोई धोखा करेगा क्या? अगर किया तो मैं क्या करूंगी जानता है ना? जानता हूँ, मेरा विश्वास करो। आओ। नमस्ते दीदी। बात याद है ना? हाँ। दीदी नमस्ते, फोन पे बताया था ना? नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, ताला खोलो। 8204 गेट खोलो। ओके सर। आओ दीदी, जैसे जैसे मैंने कहा है ना वही बात करना, ठीक है? राम बात कर लो। हाँ ठीक है। दीदी दीदी दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दीदी। ये क्या रे, कॉलेज में गया था तो जेल में डाल दिया, अब यहाँ आकर मेरे पैर पकड़ रहा है? तेरी तो क्यों रे एहसान फरामोश कहीं के, मेरे इन्हीं हाथों ने तुझे सहारा दिया था ना जब तू मेरे यहाँ झाड़ू मारा करता था। तू गली गली जाकर रद्दी के पेपर खरीदा करता था
मेरे थोड़े से पैसों के कारण तूने वो काम छोड़ दिया और मेरे घर पर मेरा ही नमक खाकर इस बाला माई के सामने ही दादागिरी शुरू कर दी। तूने इस बाला माई के लोगों को कितना परेशान किया, क्या ये तू जानता है? मेरा नाम सुनकर जो लोग कांपा करते थे वो लोग मेरे ही सामने कितने अकड़ कर बात करने लगे। तेरी वो अकड़ अब कहाँ चली गई रे? और तू कुत्ते की तरह मेरे पैर पकड़ने पर तुला हुआ है। तू क्या समझता है कि मेरे पैर पकड़ने से मैं तुझे माफ कर दूंगी क्या? दीदी तुम्हारे हाथ जोड़ता, मेरी बात तो सुनो। दीदी तुमने जो कहा वो सच है, पुराने पेपर खरीदता था, लोगों को धोखा दिया, जमीनें हड़पी, बम भी डाले, दंगे फसाद कराए, न जाने कितने लोगों को काट दिया, लेकिन तुम्हारे सामने मेरी हैसियत क्या है? एक बच्चे जैसा ही हो ना। तेरी लोमड़ी की चाल मैं समझती हूँ, साफ साफ बता क्या बात है। दे दे, जो होना था सो हो गया, मेरा सारा धंधा तुम ले लो, सिटी में मेरी जो क्लब है वो भी तुम ले लो, मेरे सारे धंधे तुम ऑपरेट करो, यहाँ तक कि मेरी जायदाद भी तुम ले लो। इसके बदले बस एक काम करो, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो, फिर हम मिलकर भीमा को खत्म कर देंगे, बस। मैं तुझे उल्लू लगती हूँ? तू मुझे दोबारा धोखा नहीं देगा, इसकी क्या कोई गारंटी है रे? उसकी गारंटी तो मैं खुद ही हूँ। भारती को तुम अपनी बहू बना लो, तुम्हें मुझसे दुश्मनी है लेकिन मेरी बेटी से तो कोई दुश्मनी नहीं है ना। भारती मेरी जान है, मेरी बात मान लो दीदी। मेरे बेटे के बारे में तू जानता है ना? वो चाहे कैसा भी हो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बात से बदलेगा तो नहीं? देवी माँ की कसम, अगले ही हफ्ते दोनों की शादी करवा देगा ना। जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा अगले ही मुहूर्त में। अरे मुहूर्त क्यों निकालना है, उसके लिए मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि एक ही झटके में दोनों की शादी हो जाएगी। बाला दीदी। मैंने जो कहा हो गया ना। अरे इसीलिए तो मिलवाया था, अगर वो हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? अरे 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 भैया को गुलदस्ता दो। बैठो 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 बैठो। नमस्ते। फूल दो इन्हें। नमस्ते दीदी। नमस्ते, बैठो बैठो। नमस्ते दीदी। हाँ बोलो। दीदी मुहूर्त निकल रहा है। अरे आ जाएगा पंडित जी, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? काली दीदी शमिया कहाँ है? वो मेकअप कर रही है दीदी, उसे जल्दी आने के लिए बोलो। क्या रे? वो आ गई है दीदी। हाँ ठीक है मैं बता देती हूँ, जरा एक मिनट। काली यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? होगी। तू सब कुछ देख लेगा ना, मैं हो करा लूँ। हाँ। अब सब ठीक हो गया, मैं वहाँ बस अभी पहुँचती हूँ मिनिस्टर जी, आपके सारे काम हो जाएंगे। नमस्ते नमस्ते, आप सब अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं तो अभी भी बहुत कम सुन हूँ, मेरे पीछे तुम्हारे पीछे कौन है? ओहो तो हम लोग हैं, यानी आज धमाका। घूर घूर के देखे मेरे दिल में होती है मस्ती। अरे वाह। रात रानी आई मैं इस महफिल में, मुझे घूर घूर के देखे मेरे दिल में होती है मस्ती। नशा है इनकी आंखों में ये झूम रहे हैं बेकाबू, प्यार प्यार ये क्या जाने बस छू नहीं इनकी आरजू। ठुमक लगाऊं जब भी मैं लगे आदि इस महफिल में, नोटों के करते हैं बारिश शरारते हैं आंखों में, लाज शर्म सब छोड़ के मैं तो हो गई मस्तानी। दीवानों में देखो नतनिया हो गई दीवानी। रात रानी आई मैं इस महफिल में, मुझे घूर घूर के देखे मेरे दिल में होती है मस्ती मस्ती। मेरी बड़े बड़ों के होश उड़ा दूं वैसी हूँ निराली, दिल को थाम के बाजी मारना कोई ये इनसे सीखे, जिस्म देखकर हुस्न देखकर लुट जाए मिलके, यहाँ गली गली में हाँ
होश में ना होश को के तू लुट के न जाना रे। जिनके हाथ में जादू है यहाँ उनसे बचना रे। जोश में ना होश को के तू लुट के न जाना रे। ये मनी मनी हूँ मैं, पैसों की बनी हूँ मैं। जीते गए हम पर वो वरदान जिसे दू मैं। खेल ये मेरा भाई हाथ का हाथ की सफाई। आजा आजा तू भी आजा ले ले ये मजा। हार के बाजी देता है क्यों खुद को ये सजा। रात रानी आई मैं इस महफिल में। मुझे घूर घूर के देखे मेरे दिल में होती है मस्ती मस्ती मस्ती। पकड़ के लाओ उसे। ठीक है भाई। ए, बता भीमा कहाँ है? चुपचाप बता दे। बता कहाँ है? बता भीमा कहाँ है? जल्दी बता कहाँ है? बता नहीं तो जान से मार डालूंगा। चुपचाप खड़ा रहे। भाई ये उसी कॉलेज में इंग्लिश सिखाती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? मुझे नहीं पहचानती है? टीवी में अखबारों में ये चेहरा कभी नहीं देखा क्या? मेरी तो शक्ल ही अजीब सी है। एक बार जो देख ले तो मरने के बाद भी नहीं भूलता इस पेपर राम को। वो भीमा कहाँ है? वो नहीं है। उसका नंबर क्या है? मैं नहीं जानती। भीमा के फोन का नंबर क्या है? मैं नहीं जानती। बोल, बोल। मैं नहीं जानती। बोल। नहीं, नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगी, कुछ करना ही होगा। ए, चुप। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। नहीं, उसे कुछ मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो बता, बता उसका नंबर। 9860-90440। मेरी बेटी का नंबर मुझे ही दे रही है। अगर होशियारी दिखाई तो यहीं जिंदा काट दूंगा। इसे कुछ मत करो। भीमा जब भी बाहर जाता है इसी नंबर पे होता है। ला फोन पे। ला फोन। डैडी? हेलो डैडी। डैडी नहीं, मैं गायत्री बोल रही हूँ। जरा भीमा को फोन दो। भीमा मैडम। हेलो। अबे ओ लुके पट्टे, जरा एक बार फिर से गायत्री की आवाज सुनना। सुनाई दे, अगर तू 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ नहीं पहुँचाना तो ये पूरा घर खून से रंग जाएगा। समझ गया? चल निकल। सिर में दर्द हो रहा है। मसाले वाली चाय चाहिए। वाह, चाय तो जबरदस्त है। तुम पियोगी, मजा आएगा। भाई आपका टेलीफोन। हेलो। अरे ओ मोटी बुद्धि के बुड्ढे, तू वहाँ मेरे घर में पहुँचेगा ये बात मैं जानता था, इसीलिए मैंने भी तेरा गेम बजाने का प्लान बना लिया। तू बुढ़ापे में ये सब करेगा तो जवानी में मैं क्या क्या करूँगा। इस वक्त तू है कहाँ? तेरे घर में, तेरी लड़की के बेडरूम में, उसी के बेड पर। तू मेरे घर में कैसे गया? क्यों, दिमाग घूम गया ना? तेरी आंखों के सामने तेरे गुंडों के पास से, जबकि मैं अकेला था, कबड्डी खेल के गीता को उठा के लाया था ना, तो तेरे घर में घुसने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तूने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन मैं तुझे सिर्फ 3 मिनट का ही टाइम देता हूँ। अगर तू फौरन उस घर से बाहर नहीं निकला तो तेरी बेटी यहाँ अकेली है और उसका मुझे पूरा सपोर्ट भी है। ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही हमें सुहागरात मनानी पड़ जाए। इन्हें छोड़ो, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी 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 चलो यहाँ से, जल्दी। ललिता, 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 क्या हुआ जी? क्या हुआ? घर के अंदर जिसका जब भी मन करे आ जा सकता है क्या? औरतों का रहने वाला घर है ये, काट के रख दूंगा। डैडी, पहले देखूं वो कहां गया। तू ऐसे बाहर नहीं आएगी, चल अंदर। ये क्या किया? अगर इसने एक कदम भी घर से बाहर निकाला
तो उसके साथ साथ तुझे भी मार डालूंगा। दीदी दीदी क्या बात है भीमा, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ दीदी। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी, बेकार में मेरी वजह से यहाँ परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या बाहर जा रहे हो? यहाँ पे क्या परेशानी है? तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ, इसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रहे हो? ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? दरअसल गलती मेरी है जो तुम्हें पहले नहीं डांटा। देखो आज से तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। बिल्कुल सही कहा गायत्री, ये सामान उठा के अंदर रखो। लाओ, बड़ा आया बाहर जाने वाला। देखो भीमा, उस पेपर राम का नाम सुनकर बड़े बड़े गुंडे ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी खौफ खाते हैं, और तुमने उसे सरेआम पुलिस के हाथों अरेस्ट करवाया है। वो पैसों के दम पर खेलता है, वो तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम जरा होशियार रहना। ओके, टेक केयर। गायत्री मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, बी केयरफुल। अरे ओ पागल, पेपर राम के बारे में तू नहीं जानता है क्या? थोड़े दिन लगेंगे, उस बालोमाई दीदी को भी वक्त आने पर दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। तू पहले पैसे का इंतजाम कर। अरे मैंने कहा ना डैडी। हाँ बाद में बात करूंगा, ठीक है। शॉपिंग के लिए जाना है, इतना ही ना? तो मेरी कार ले जा। अरे चिको भाई, भारती के साथ जहाँ जहाँ वो जाना चाहती है जा। जी अच्छा। ये लो किस लिए डैडी? जमाना खराब है बेटी, पेपर राम के शहर में कितने सारे दुश्मन हैं, तू तो जानती ही है, किसी पे भरोसा मत करना। ओके। चल जा। बैंगल्स दिखाना। जी मैडम। ए मैडम को लेटेस्ट डिजाइन दिखाओ। ओके सर। ये वाली नहीं, सामने भी एक दुकान है। थर्ड जूस। ए चल हट। मैम ड्रिंक? नो थैंक्स। सर ड्रिंक? नहीं चाहिए। ले लीजिए सर। कहाँ नहीं चाहिए। जरा वो दिखाना। ओके मैडम। देखिए वो वाला, अभी दिखाता हूँ। कुछ भी करके भीमा को फोन करना है, कैसे करूँ? ये लेटेस्ट डिजाइन है मैडम। एक्सक्यूज मी। यस। इसे एक फोन कर सकती हूँ, मैं फोन लाना भूल गई। थैंक यू। हेलो भीमा, मैं भारती बोल रही हूँ। हाँ भारती, ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट में आ जाओ। ओके। ओ शिट, गीता के बारे में भूल ही गया। हाँ यार। घर में मुझे कैद करके रख रहे हैं, ये बात तुम समझ नहीं रहे हो। अच्छा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, और अगर निकलूं तो साथ में बॉडीगार्ड्स। वेरी गुड। घर का फोन मैं यूज नहीं कर सकती, मेरा सेल फोन भी लॉक कर दिया है। वेरी बैड। शॉपिंग का बहाना बना के बॉडीगार्ड्स को धोखा देकर कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। रिलैक्स, मुझे इतना टेंशन हो रहा है और तुम हैप्पी हो। सबको टेंशन देने वाली तुझे टेंशन है। भीमा कूल बेबी, तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि नहीं? विश्वास तो है। तो फिर रिलैक्स। को होशियार समझती है? अगर तू इतनी होशियार है तो तेरा डैडी ये कितना होशियार होगा। तुझे मैंने इतनी आसानी से बाहर घूमने भेज दिया, ऐसे ही नहीं, इस बकरे को जिंदा पकड़ने के लिए मैंने तेरा पीछा किया और ये पकड़ में आ गया। ए, हलाल कर दो बकरे को।
पास। भीमा ये ले अपनी बेटी, इसे संभाल के घर ले जाना। लेकिन एक बात याद रखना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। भारती के गले में मंगलसूत्र पड़ेगा सिर भीमा के हाथों। अगर कुछ हुआ तो इतना मारूंगा, इस बॉडी में कहीं कोई हड्डी नहीं बचेगी। हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहना। बेटी। जो काम देता उसका क्या हुआ? काम हो गया भाई। बारह माई का फोन लगा। ठीक है भाई, रिंग बज रही है। हाँ बारा दीदी, मैं पेपर राम बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना। अरे बोलो, सब ठीक है ना? अब क्या बताऊँ, ठीक नहीं है। ये प्रेम प्रेम के चक्कर ने मेरे दिमाग को घुमा के रख दिया है। अब मैं क्या करूँ, कोई भी मुहूर्त निकाल लो, मैं शादी कराने के लिए तैयार हूँ। अरे अब मुहूर्त वहूर्त क्या देखना, शादी का इंतजाम करके रखा है। हाँ? सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे मैंने कहा था ना, आज से दूध के डेयरी के तुम ही प्रोपरेटर हो। रजिस्टर ऑफिस चल के जहाँ बोलोगे वहाँ साइन कर दूंगी। ओके चलो। ए तू कब आया? हे क्या बात है यार? हे प्रताप, तूने ऐसा क्यों किया यार? अरे यार क्या बताऊँ, एक लंबी कहानी है। इनसे मिलो, तुम्हारी भाभी हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये शहर की सबसे बड़ी डेयरी की छोटी मालकिन है। चल गाड़ी से छोड़ दो। नहीं यार, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक तो हाँ, है ओके है। चल बैठ, जल्दी बैठ। नमस्ते जी, आइए आइए आइए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया। आधे घंटे में भारती की शादी हो जाएगी। हाँ यार, लो आ गया। ए सुनिए यार, भारती के लिए क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे गाड़ी देखो, टाइम हो गया। अरे यार कौन है ये लोग? ए बीमा उठाने जा रहे हैं। तुम उधर के काम देखो, वो मंत्री जी अभी तक क्यों नहीं आए? मां दुल्हन कहाँ है? अरे वो आ जाएगी बेटा, सबर रख सबर रख। मां ये करंट मारती है। गुटखा खाओगे? नहीं मैं नहीं खाता। जरा अपना हाथ ला। ए बाहर निकलो। क्या करते हो तुम लोग? सर मैं बताता हूँ सर, कल्याणी शादी मंडप में इन्होंने बॉम्ब रखा है। शादी के मंडप में बॉम्ब? ये बोलने के लिए मैं जा रहा था तो मुझे गाड़ी में बंद कर दिया इन्होंने। ए ले चलो इन्हें, कम ऑन चलो जल्दी, कम ऑन। हेलो, कल्याणी शादी मंडप में बम रखा है, तुम लोग फौरन वहाँ पहुँचो। अरे ओ राम, हाँ? अपने यादव जी फैमिली के साथ आए, जरा चल के देखना। अरे आइए 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 आइए। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, हमें बहुत खुशी हुई। एक तरफ बाला माई, एक तरफ आप, इस शहर के आप ही तो राजा रानी हैं, हम तो बस ऐसे ही। आओ यादव भैया, आओ पधारो। बस थोड़ी देर में ये शादी हो जाएगी। हो गया ना? हो गया। अरे ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? और क्या आशीर्वाद देने के लिए आए होंगे? शादी रोक दो, इस बिल्डिंग में बॉम्ब रखा है, सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। चाहिए
को जल्दी से जगह खाली कर दीजिए। जल्दी खाली करो यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। भारती, भीमा, अरे बाप रे बाप, 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 अरे बाप रे बाप। यहाँ पर कोई बम नहीं है, सब लोग वापस आ जाओ। लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया। क्या बम नहीं है? नहीं नहीं, हमें कोई बम नहीं, कोई बम नहीं है। थोड़ी देर के लिए जान ही निकल गई। हाँ? दीदी बम नहीं, नहीं है, भारती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या भारती चली गई, गायब हो गई, वो आके गई कहाँ? अरे बाप रे बाप, देखो वो भाग रही है, भाग रही है, जल्दी पकड़ो, जल्दी रोको, अरे जाओ उनका पीछा करो, अरे यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाओ जल्दी आके उनको पकड़ो। भीमा, वो हमें जान से मार देंगे, जल्दी कहीं भाग चलते हैं। चलो भीमा, जल्दी आ भीमा, आजा आजा, चलो इसमें चलते हैं, भारती को लेकर जाओ, जल्दी जा भीमा, जल्दी जा, जल्दी से गांव के बाहर निकल जाओ, जल्दी जाओ, जब मामला शांत हो जाएगा वापस आ जाना। ये बच के जाएगा। ये उल्लू का पट्टा हमारे बारे में क्या समझता है? हमें ही चुना लगाना चाहता था। ये अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता था ना? ए दीदी, उस कमीने को मार मार कर यहाँ लेकर आओ। अरे टपका दो। मार उसे, उसका सर फोड़ डाल। इस कमीने की इतनी हिम्मत की शेरनी के मुंह में हाथ डालता है? टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, मारो जान से मार दो। अरे मार क्यों खा रहे हो? सर वहाँ पे बम लगा है, वहाँ से उल्लू बना रहे हैं, हमारी बात मारिए, वहाँ से उड़ जाइए। अरे हम खुद मिसाइल हैं, हमारे सामने बम क्या चीज है? क्या कहा दीदी? यहाँ बम लगा रहे हैं। अरे बापरे, सच बापरे, भागो यहाँ से। अरे मेरा पैर फंस गया, अरे जल्दी आ, मुझे बचाओ, अरे मैं मर जाऊंगी। अरे बेटे मुझे आकर बचाना। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं आऊंगा, तुम मर जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। अरे कोई तो आकर मेरा ये पैर बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे आओ ना। अरे मेरा नमक खाकर मुझसे नमक हरामी करते हो। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे जल्दी बचाओ, भगवान मैं मर जाऊंगी। अरे बचाओ, बचाओ, अरे भगवान मैं क्या करूँ? निकालो अपना पैर, निकालो निकालो। देखा तूने राम, इसने मुझे बचा लिया। सही कहा। अरे राम, देखा तूने,
इस लड़की को मारने के लिए ही हम यहाँ आए थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था। अरे दिमाग ही नहीं है हमें। हमने लोगों पर कितने अत्याचार किए, उनसे दादागिरी की, हमने पैसों की खातिर लोगों का खून भी बहाया, लेकिन हम इस लड़के के दिल को नहीं समझ पाए। राम हा? देखो, इस लड़की की शादी मेरे बेटे से मत करना, वो इसके लायक नहीं है। इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे, इसने मेरी जान बचाई है, इसने मेरी जान बचाई है। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, अब ये तेरा दामाद भी है। हाँ, इसे अपना दामाद बनाना होगा। जैसा तुम कहो। मैं तो समझता था कि इसके नाम ही सिर्फ भीमा है, लेकिन ये तो असली भीम है, यानी सबसे बलवान। सही कहा।